अस्सलामुअलैकुम। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़्यादा बाज़गश्त कर रही है और इस हवाले से बहुत सी डिस्कशंस भी हुई हैं, और मैंने अपना एक आर्टिकल भी इसके हवाले से, एक न्यूज़पेपर है पेशावर से निकलता है और उसका नाम है डेली कुल, उसमें पब्लिश करवाया। और यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में उसको वो आर्टिकल भी आपको दे दूँगा, लेकिन पहले ज़रा आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि असल ये मामला क्या है। एक्चुअली दिसंबर 2016 में एक ज़मीन अलॉट की गई इस्लामाबाद की एक हिंदू माइनॉरिटी को, ताकि वो अपना मंदिर इस्लामाबाद में तामीर कर सके। उसके बाद 2017 में जाके उनको इस हवाले से टोटल पेपर वर्क करके और उनको ज़मीन मिल गई, लेकिन उसके हवाले से थोड़ी बहुत, मतलब उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, काम स्टार्ट करने के लिए कुछ रकम चाहिए थी, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने दी, और उसकी रकम की टोटल जो उसका एक नंबर था वो 10 करोड़ था। अब आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर ज़मीन ख़रीदनी हो, 5 मरले ही ख़रीदनी हो, तो 2-3 करोड़ लगते हैं, 2-3 करोड़ की इस पर कंस्ट्रक्शन होती है, और जो लोग बड़े बड़े एक एक कनाल के घरों में रहते हैं वो तो उस पर फिर 30-40 करोड़ का ख़र्चा करके रहते हैं। तो मंदिर की एक ख़ास तरह की कंस्ट्रक्शन होती है और उसके लिए कम अज़ कम भी 1 अरब रुपया चाहिए। तो 10 करोड़ से एक स्टार्ट मिलेगा, लेकिन बाकी के 90 जो करोड़ लगेंगे, मतलब 10 करोड़ से स्टार्ट मिलेगा, 90 करोड़ और चाहिए, टोटल 1 अरब लगेगा वो मंदिर बनाने में, तो बाकी रकम तो हिंदुओं ने खुद ही लगानी है। लेकिन स्टेट हमारी ने एक उसका स्टार्ट करने के लिए, एक उनको एक किक फ्राहम करने के लिए एक रकम मुहैया की है। तो इसकी एक बड़ी सख्त किस्म की मुखालफत पाकिस्तान के लोगों की तरफ से देखने में आई है, और कई लोगों ने समझा कि शायद इस प्रेशर के अंदर आके स्टेट ने ये काम रुकवा दिया है। लेकिन उसकी रियलिटी बाद में ये निकली कि उसके पीछे रीज़न ये था कि नक्शा पास करवाए बिना कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता इस्लामाबाद के अंदर। तो ये एक कानूनी तकाजा था जिसको पूरा करने के लिए पहले काम रोका गया है, लेकिन वो स्टार्ट होगा। तो एक 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 आप कह सकते हैं टाइनी माइनॉरिटी है, एक छोटा सा ग्रुप है, लेकिन ये एक प्रेशर ग्रुप है जो कि आम अल्फाज में बातें नहीं करता, बड़ी सख्त किस्म की ये लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और उसके अलावा मार कुटाई और बाकी इस तरह की चीज़ों पे उतर आते हैं। इन लोगों का कहना ये है कि एक कंट्री जो कि पाकिस्तान है और एक इस्लामिक स्टेट है, उसके अंदर किसी माइनॉरिटी का ये हक नहीं बनता, या स्टेट को चाहिए नहीं है कि वो उस माइनॉरिटी को वहाँ पर किसी भी किस्म की इबादत का तामीर करने दें, और एटलीस्ट उस इस्लामिक स्टेट को, यानी जो कि पाकिस्तान है इस वक्त जिस हवाले से बात हो रही थी, उसको उसमें अपना हिस्सा नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, इन लोगों को समझाने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल स्टेट को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए और इन लोगों के साथ एक डायलॉग का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। हालांकि ये लोग डायलॉग से बात नहीं मानते, ये एक रियलिटी है और आप लोग देख भी लेंगे, लेकिन थोड़ा उन्हें समझाना चाहिए। दो बातें समझानी चाहिए, क्या क्या बोला। एक तो ये कि इस वक्त दुनिया में जो राइज कवानीन हैं, जो रूल्स हैं दैट एग्जिस्ट इन करंट वर्ल्ड, वो क्या हैं, और उसके अलावा इस्लाम इस हवाले से क्या क्या बातें करता था। इस्लाम तो कुछ भी नहीं कहता, इस्लाम सिर्फ ये है कि आप सऊदी अरेबिया और फ़लस्तीन और बाकी इस तरह की कुछ मुकद्दस ज़मीनें हैं, 2-3 सिटीज़ हैं ऐसे होली सिटीज़ ऑफ इस्लाम, जहाँ पर इस तरह की माइनॉरिटीज़ अपनी इबादत गाहें और ये चीज़ें नहीं तामीर कर सकते। लेकिन बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी स्टेट नहीं रोकती, और जहाँ तक बात है कि इस्लामिक स्टेट को उसमें अपना पार्ट प्ले करना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट रिलीजियस प्लेस ऑफ दैट माइनॉरिटी, तो इस हवाले से भी कोई इतने सख्त रूल्स नहीं हैं, और स्टेट को अपनी माइनॉरिटीज़ के जो मफादात और उनकी इबादत गाहें और इस तरह की चीज़ें हैं उनके तहफ़ करने होते हैं, और ये ऐसा कहीं भी नहीं निकलता इस्लाम के किसी भी आप कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट या किसी भी बात को देख लें के रोकता हो हमारा दीन इस बात से। तो ये दीन की एक गलत और जिसे आप कह सकते हैं कि जो ना समझी गई बात है उसको प्रेजेंट करके और आलमी सतह पे पाकिस्तान की इमेज को डैमेज करने की कोशिश ये प्रेशर ग्रुप कर सकता है, और स्टेट को इसको रोकना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एक नेशन स्टेट भी है। अब वन नेशन, एक जो नेशन स्टेट होती है दैट इज़ वन नेशन, उसके अंदर जितने भी लोग हैं तो उसका रूल ये होता है कि इक्वल टैक्स पेयर्स होते हैं सभी, उसके उसमें माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटीज़ इस तरह के कोई सख्त
हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, सब इक्वल टैक्स पेयर होते हैं और रियासत की आंखें बंद होती हैं व्हेन इट गोज़ ऑन टू फंड डिफरेंट प्लेसेस, चाहे वो मेजॉरिटी की हों या माइनॉरिटीज़ की हों। तो ये नेशन स्टेट्स के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि इस वक्त करंट वर्ल्ड के अंदर पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को अब समझाने की ज़रूरत है और हमारे लोगों को भी सोशल मीडिया पे इसके हवाले से कुछ र्यूमर्स फैलाने या बातें करने या एनालिसिस देने से पहले इसकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग करनी होगी। शुक्रिया।